हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। दिन है आज वीरवार का और सुबह का टाइम है, और ये जो सब्जी कट रही है ना, आप सब प्लीज़ इसका नाम मुझे बताइए कि आप सब इसको क्या कहते हैं। तो मतलब ये वाली सब्जी है ना, इसको जिमीकंद बोलते हैं शायद हमारे, मतलब मुझे जितना पता है ना इतना है। तो ये सब्जी आई है पहली बार, और क्योंकि उर्वी के पापा को खानी थी ये। अब हुआ ये कि मतलब बच्चों ने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया कि हम तो नहीं खाएंगे, तो वो हमारा बाद में डिसाइड होगा कि हम क्या खाएंगे। और एग्ज़ाम की वजह से बच्चों की थी छुट्टी, तो इसलिए ना फिर बच्चे घर ही हैं आज। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से ये जिमीकंद यही काट रहे थे। अब मुझसे तो ये कटने वाली भी नहीं थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सीताफल जैसा नहीं होता वैसा लग रहा था ये, लेकिन ये ना थोड़ा अलग था, जैसे अरबी होती है ना, अरबी टाइप बनता है ये। अब चॉपिंग तो मैंने इनसे करा ली, लेकिन बनानी मुझे ही पड़ेगी है, क्योंकि वो तो बनाएंगे नहीं, उन्होंने कभी कोई सब्ज़ी बनाई है नहीं इसी वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना कुकर में मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया मैंने। अब उसके बाद मुझे ये था कि या तो मैं इसमें ज़ीरा डालूँ या फिर इसमें अजवाइन डालूँ। तो अजवाइन को जैसे ही चेक किया, अजवाइन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने हल्का सा ज़ीरा इसमें डाल दिया। और वो बोल के गए थे कि मतलब जैसे अरबी बनती है वैसे बनेगी, लेकिन अरबी में मैं हमेशा ही अजवाइन डालती हूँ, और आज मेरे पास थी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि छोंकने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बस मैंने ज़ीरे का यूज़ कर लिया। बस उसके बाद एज़ यूजुअल नमक मिर्च और उस मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डाला है, और फिर उसके बाद उसमें सूखे मसाले। अब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के रख लिया था पहले ही, मतलब डेली मैं पीस के रखती हूँ, जैसे मतलब सब्ज़ी बनानी होती है एक सब्ज़ी का एक साथ पीस लेती हूँ, तो बस ये पीस लिया था। एक प्याज, दो चार मतलब लहसुन के कलियाँ, वो सब। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सूखे मसाले गए, और टमाटर मैंने इसमें ऐड किए नहीं, क्योंकि टमाटर ना तो मैं अरबी में डालती हूँ ना मैंने इसमें डालूँगी, तो मुझे बस यही लगा था। तो बस यहाँ पे ये मसाला अच्छे से भुन गया, तो मुझे लगा कि मसाला अच्छे से भुन गया है, फिर उसके बाद जो है ना, और कटिंग करने के बाद ना थोड़ी देर रखने के बाद इनका काफ़ी कलर चेंज हो गया था, हल्की रेडनेस सी आ गई थी इनमें। अब जो है ना मैंने इनको ऐड तो कर दिया इसमें, अब इनको अच्छे से पकाऊंगी। लेकिन उन्होंने किया मुझे मतलब बोला क्या कि मतलब अरबी जैसे बनती है ना, अरबी में मैं 2 से 3 सीटियाँ लगाती हूँ और वो रेडी हो जाती है, लेकिन उन्होंने बोला कि अरबी से थोड़ी ज़्यादा कैड़ी, हमारी भाषा में जैसे लेट बोलते हैं ना, लेट गलेगी, तो बस वो बोल के गए थे इतना। और गए हैं बच्चों को छोड़ने, तो जैसे ही मैंने बोला कि मतलब आप बता देना मुझे, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिटी लगा दी। अब एक्स्ट्रा सिटी में इसकी तो हालत ऐसी हो गई बिल्कुल बेकार सी, मतलब मैं क्या ही बताऊं आप सबको, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी ये सब्ज़ी। अब सीटी भी मैंने कम से कम 4 से 5 लगा दी, मुझे लगा जब कैड़ी गलने वाली है ना, क्योंकि ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं था। कटिंग होने में भी ना मतलब जब मैं इसकी चॉपिंग की थी तो बहुत ज़्यादा टाइट, बिल्कुल ऐसा था जैसे आलू वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसी, लेकिन जब कटिंग की फिर उसके बाद भी ये ऐसा ही रहा, तो मुझे लगा शायद ऐसे गलते होंगे। तो देखिए अब ये बन गई थी, अच्छी तो बनी थी इनके हिसाब से, मतलब बोल रहे थे कि हाँ अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी सीटी एक्स्ट्रा लग गई, थोड़ी मतलब गल ज़्यादा गई, तो मतलब हल्का फुल्का सी अगर कम होती ना तो थोड़ा ठीक रहता। तो मतलब जो पीसीस थे ना वो नहीं दिख रहे थे, मेन कहने का मतलब ये है, जो मतलब पीसीस होने होते हैं ना जैसे जिमीकंद के जो पीसीस थे वो नहीं दिख रहे। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से रोटियाँ सेकने लग गई थी, और रोटियाँ जो है ना मुझे इन्हीं की बनानी है बस, तो बस मुझे अपनी नहीं बनानी, क्योंकि मुझे नहीं खाना ये, तो मैं अपना दिन में देखूँगी मुझे क्या खाना है, तो उस हिसाब से मैं, अगर मुझे लगेगा कोई सब्ज़ी बनानी है तो मैं रोटियाँ फिर से सेक लूँगी, अदरवाइज़ सेक कर नहीं रखूँगी आज, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जैसे मैं सुबह रोटियाँ बनाती हूँ तो अपने लिए भी सेक के रख लेती हूँ। तो आज मेरा भी कुछ डिसाइड नहीं है, मे बी मैं खिचड़ी बना लूँ, मे बी मैं चावल बना लूँ या कुछ भी, तो मैं रोटियाँ आज नहीं सेकूँगी, फटाफट से इनकी रोटी मैं सेक दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है ना किचन का सारा काम हुआ मेरे पास खत्म, अब जो है ना मतलब टिफिन वगैरह इनका भी पैक हो गया, और यहाँ पे जो है ना मैं लगा रही थी झाड़ू, तो वो झाड़ू जो सुबह वाली थी वो तो सुबह लगाई दी थी, लेकिन अब जो है ना सफाई वाली झाड़ू। अच्छा सुबह की जो सफाई होती है, जो मतलब हम अपने हिसाब से करते हैं, बच्चे आ जाते हैं उससे पहले, और बच्चे जो है ना जब आ जाते हैं तो उसके बाद तो बस सफाई आपकी नज़र आने वाली है नहीं, लेकिन अभी जो है ना दोपहर तक घर जो है ना बिल्कुल साफ रहने वाला है। और यहाँ पे ये घूम रहे थे इधर उधर,
और हम लोगों की चल रही थी बातें। टॉपिक क्या था? टॉपिक था ये कि हाँ कुआ पूजन वगैरह पे हमें क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनाना है। तो मेन तो बच्चों का होता है कि मतलब अब कुआ पूजन आने वाला है, 14 का है, तो उसी ये सोच रहे थे कि मतलब धैर्य के कुछ लाना है या फिर काव्य और भी के लिए क्या लाना है। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बस हाँ ये श्राद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि श्राद्धों वगैरह में हम लोग नए कपड़े वगैरह नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, इवन कोई भी नई चीज़ घर में नहीं आती है, तो कहते यही हैं। तो बस इसे अब यहाँ पे ये एक सूट है, ये मतलब मेरा ही है, मुझे मम्मी ने ही दिया था, मुझे इसकी करनी थी कटिंग क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था, बस अब सिल के रख लूँगी, नवरात्रे आने वाले हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए। अब ये जो इसका गला है ना, ये मुझे लग रहा था छोटा, तो जैसे ही मैंने इसको नेक पे लगा के देखा ना तो मुझे बहुत छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये रेडीमेड गला है कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बाद में आइडिया आया कि मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, इसकी पाइपिंग से हटा देती हूँ, तो मैं अरेबिक पट्टी से इसको दोबारा से बना दूँगी, बस कंफर्टेबल हो जाए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसे पहनूँगी तो मुझे बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगेगा। अब सूट मेरा है तो नाप मुझे अपना बिल्कुल याद है, पहले मैं इसकी लेंथ नापती हूँ कि मतलब लेंथ कितनी रखनी है मुझे, उस हिसाब से फिर उसके बाद जस्ट अपना मेज़रमेंट मैं इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, ये जो वाइट वाइट लग रहा है ना सूट पे, ये मैंने बहुत कोशिश की, हटा नहीं, तो मैंने सोचा कि जब ये सिल जाएगा ना तो इसको मतलब धो दूँगी, पानी में भिगो दूँगी कुछ देर तक, तो ये अपने आप ही छूट जाएगा। तो यहाँ पे अपना मेज़रमेंट जो भी था मैंने कमर हिप और ब्रेस्ट का सारा मैंने मेज़रमेंट इसमें लगा दिया है, अब उसके बाद इसकी करूँगी मैं कटिंग। अब साइड में से ही बिल्कुल मतलब बीच में से ही निकल गई थी, जितनी कढ़ाई थी उतनी आ गई थी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मोटी ताजी तो हूँ नहीं, तो उस हिसाब से ना मतलब यहीं से कटिंग हो गई थी, तो बीच बीच की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो आ गई थी मेरे पूरे सूट पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़ा हेल्दी शरीर होता है तो कढ़ाई से बाहर निकल जाता है, वो वाली चीज़ तो है नहीं, तो बस बीच में कढ़ाई आ गई तो मैंने इसकी कर दी कटिंग। अब सेम एज़ जो मतलब पीछे वाला पर्दा है उसको मैं फोल्ड करके रख लूँगी, पहले मैं इसकी लेंथ नाप लूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे रखना है अगर मैं ऐसे रखती हूँ ना तो इसकी लेंथ ठीक ठाक होनी चाहिए, तो मैंने देखा कि लेंथ बिल्कुल कंप्लीट है जितनी मुझे चाहिए। अब जी यहाँ पे क्लिप हो गई मिस, तो मतलब सीधा जो है ना आ गया सलवार का। अब जैसे ही मतलब फ़ोन लगाया हुआ था ना उसमें मेमोरी फुल होने के बाद एक आपको हिंट देता है फ़ोन कि मेमोरी फुल हो गई है, तो वो रुक गई थी, अब मुझे पता नहीं चला। अभी मेरे साथ ये हुआ कि मतलब फिर उसके बाद सीधा सलवार की कटिंग मैं दिखाई, और मुझे भी तब पता चला जब इसकी फ्लैश लाइट ऑफ हो गई ना, तब मुझे पता चला कि वीडियो जो है ना शूट ही नहीं हो पा रहा। तो ये मेरे साथ होता है, हमेशा ही होता है, अब मैं करूँ क्या। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे सलवार की कटिंग कर ली है, कली वगैरह काट दी है, तो ये सलवार इसलिए बनाई क्योंकि ब्लैक मेरे पास पैंट ऑलरेडी रखी हुई है, तो अगर मुझे इसके साथ पैंट यूज़ करनी है, नैरो पैंट, प्लाजो पैंट जो भी, तो वो यूज़ करनी है तो वो मेरे पास रखी हुई है, तो मैं उसको कभी कभार इसके साथ पहन लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसके लिए सलवार चाहिए थी, और मुझे सलवार बनाना ही था क्योंकि घर में पहनने वाला सूट है तो सारे पैंट प्लाजो नहीं पहने जाते, और कई बार ऐसा होता है कि सलवार के सूट पहनने का बहुत ज़्यादा मन कर जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी सलवार की कटिंग कर ली, और ठीक ठाक थी, इतनी हल्की भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक बनी है। बस बेल्ट में ये थोड़ा सा जोड़ आएगा, वो भी बिल्कुल सामने फ्रंट पे, ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल मुश्किल से 4 इंच का जोड़ है ये, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे आएगा, जहाँ पे सलवार का नेफा वगैरह बनता है ना वहाँ पे। अब ये वाला सूट यही है, ये देखो कटिंग तो मैंने इसकी कर दी, फिर उसके बाद ये गला बहुत छोटा लग रहा था ना, तो जितनी पाइपिंग दे रखी है रेडीमेड के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने इसकी बस पाइपिंग निकाली है, और उस हिसाब से गला बहुत ठीक हो गया था, तो मतलब अब अरेबिक पट्टी बनने के बाद ना बहुत अच्छा लगेगा, देखो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और सूट ना मैं पहन ही नहीं पाती, मैं कम्फर्टेबल फील ही नहीं करती, तो इस हिसाब से अब यहाँ मैंने निशान लगा लिया है, अब इसकी बैक गले की कटिंग कर दूँगी, तो फटाफट से आज हो सका सलवार में सिल ही दूँगी। अब जी टाइम हो गया था करीब 10:30 का, और मेरे को लगाई थी भूख, तो मैंने क्या किया कि चावल चढ़ा दिए थे फटाफट से छोक के, तो चावल छोक रही थी तब तक जो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना ये कली पार्ट वगैरह मैं फोल्ड कर देती हूँ, मतलब जोड़ देती हूँ, और उससे से सलवार का जितना भी होगा पोंछे वगैरह का काम मैं बाद में निपटा लूँगी अपना। अब सलवार जोड़ी और उसके बाद जो है ना मतलब कली पार्ट्स वगैरह सारे जोड़ने के बाद फिर सलवार की बेल्ट भी मैंने रेडी कर दी थी, मतलब चावल की जब तक प्रेशर निकलता है ना तब तक मैंने सोचा कि आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट जाएगा। अब जैसे ही सलवार को सिलने का मेरा टाइम निकला, मतलब मिला सिलने के बाद, वैसे ही मेरे को बच्चे लेने जाना पड़ा, फिर उसके बाद आके मुझे दोपहर में खाना मिला, तो
तो कभी कभी होता यही है कि जैसे हम लग जाते हैं ना कि सोचते हैं कि इस काम को भी ख़त्म कर लें, उसको भी तब जाके कर लेंगे, तो ये होता है हमेशा। इवन मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता होगा। तो जी बस यहाँ पे कली पार्ट जोड़ दिए थे मैंने, उसके बाद इसको रख दिया था। अब साइड में दोनों कलियाँ हैं, एक बीच में पार्ट है, ये तो आप सबको पता ही होगा सलवार के कली पार्ट्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं। और पोंछे वगैरह मैं बनाऊँगी इसके रात को जब मैं फ्री होंगी। तो जी चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी आज यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी सलवार कैसी बनी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।